वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज हम एक न्यू लेसन स्टडी करने वाले हैं और उस न्यू लेसन का नाम है लव एक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। ओके, डेजर्ट मींस द रेगिस्तान, तो नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम, या रेगिस्तान के जो नमक का रेगिस्तान है उसके पार प्रेम, नमक का जो रेगिस्तान है उसके उस तरफ जाते हैं तब वहाँ पर जो फातिमा है उसका उसके साथ में जो है प्रेम किसको होता है, ये इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेसन में उस वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें कैरेक्टर जो है वो एक तो फातिमा है, एक नजब है। ओके, ये मेन कैरेक्टर इसमें ये हैं, फातिमा और नजब। और इसके बाद और भी इसमें कैरेक्टर आएंगे, जैसे कालेसा है, ओके, जमन है, ये कुछ कैरेक्टर जो हैं इसमें आएंगे जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हमें आज स्टडी करना है। हमारे लेसन का नाम क्या हो गया? नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम। ओके, तो इसके जो राइटर हैं वो है KKN दारूवाला, और वहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोई कच्छ जो क्षेत्र है वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, और सूखे के होने से या सूखा पड़ने से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो कैसे चेंज हुआ, वहाँ की सिचुएशन कैसे चेंज हुई, वो हम इस पैरा में पढ़ेंगे और उसके जस्ट बाद में जो है स्टोरी स्टार्ट होगी। ओके, तो लेट्स सी दिस पैरा। ओके, ड्रोट इन कच्छ, कच्छ क्षेत्र में जो सूखा है, ड्रोट में सूखा, हैड लास्टेड, चला या रहा, लास्टेड मीन्स रिमेंड, REMAINED, रिमेंड मीन्स रहा, फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स, लगातार 3 साल तक कच्छ क्षेत्र में सूखा रहा। मतलब सूखा जो क्षेत्र है, मतलब सूखा पड़ गया, अकाल सा पड़ गया वहाँ, तो वो कच्छ क्षेत्र 3 साल तक लगातार जो है सूखा वहाँ रहा है। इवन वेन क्लाउड्स वर साइटेड, यहाँ तक कि जब बादल दिखा करते थे या दिखते थे, साइटेड मीन्स दिखना, तो जब बादल दिखते थे तो दे पास्ट बाई, वो गुजर जाते थे, बादल आकाश में दिखाई देते, सोचते आज बारिश आएगी। ओके, लेकिन बारिश नहीं आती, और इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री, इग्नोरिंग मीन्स अनदेखा करते हुए, स्ट्राइकन कंट्री जो पीड़ित देश है, कच्छ जो क्षेत्र है जो बिना पानी के पीड़ित है, वहाँ पर कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही है, उसको बादल अनदेखा करके चले जाते थे। क्या हुआ इसका मीन्स देखो, इवन वेन क्लाउड्स वर साइटेड, जब बादल दिखते थे तो क्या होता, दे पास्ट बाई, गुजर जाते थे, इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री, ये जो पीड़ित देश है, मतलब अकाल से जो पीड़ित देश है, सूखे से जो पीड़ित देश है, उसको इग्नोर करते हुए बादल है वो चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो बारिश का मौसम है वो नहीं होता था। ओके, इसके जस्ट बाद में है द मानसून्स हैड, सो टू स्पीक, मानसून के बारे में हम बोले तो क्या हो गया, मानसून के बारे में बोले तो क्या होता था, देखो, फॉरगॉटन द लैंड, शायद मानसून इस धरती को भूल चुका था। कहने का मतलब कच्छ क्षेत्र में बारिश नहीं होती थी और सब जगह बारिश का मौसम होता था, तो वहाँ बारिश हुआ भी करती थी, लेकिन यहाँ पर बारिश का मौसम होकर के भी कच्छ क्षेत्र में बारिश नहीं हुआ करती थी। ये यहाँ पर जो इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में हमें बता रखा है। ओके, इसके जस्ट बाद में देखिएगा द रन, ये जो रन क्षेत्र है, ले लाइक पड़ा रहता था या दिखाई देता था वहाँ पड़ा हुआ, ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है, लकवाग्रस्त, जैसे ये जो क्षेत्र है वो लकवाग्रस्त राक्षस जो होता है उसकी तरह दिखता था, जैसे कोई राक्षस है और उसको लकवा हो गया, वो बिल्कुल ऐसा सीधा पड़ा हुआ है, वैसे ही रण क्षेत्र वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हरियाली, कोई वनस्पति
कुछ भी नहीं हुआ करता था। इट्स बैक, इस रण क्षेत्र की जो बैक मीन्स पीठ, धरती की पीठ कह सकते हैं, कवर्ड विद स्कैब एंड स्केयर टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। थोड़े से स्पेलिंग इसके हार्ड हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा। इट्स बैक, इस धरती की जो पीठ है या धरती का जो कवर है ऊपर वाला, धरती की पीठ किससे ढकी हुई थी? विद स्कैब, स्कैब का मतलब क्या होता है? सूखी परत, सूखी परत से ढकी हुई थी। एंड स्केयर टिश्यू, और कोई घाव का जैसे चिन्ह हो उससे कवर्ड थी, ओके, इससे ढकी हुई थी। एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और वहाँ झुलसी हुई पपड़ी पड़ी थी, ओके। ड्राइड ब्लिस्टर स्किन मीन्स झुलसी हुई, झुलसी पड़ी हुई पपड़ी, वो वहाँ थी। क्यों थी? क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही थी, और बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ का जो माहौल है वो इस प्रकार का था। तो कैसा माहौल था? देखो, रण जो क्षेत्र है वो एक लकवाग्रस्त जो राक्षस होता है उसकी तरह पड़ा हुआ था। इसकी जो पीठ है या ऊपर का जो हिस्सा है वो ढका हुआ किससे था? सूखी परत से ढका हुआ था, और ऐसे घाव का चिन्ह ऐसा लगता था, और सूखी या झुलसी पड़ी हुई जो पपड़ी है वो वहाँ पर एक तरह से जमीन पर या उसकी पीठ पर है वो लगी हुई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ सूखा सूखा पड़ा हुआ है, जैसे कोई घाव का चिन्ह होता है शरीर पर, बॉडी पर, वैसे वो पूरी की पूरी जो जमीन है, पूरी पूरी धरती है, उसका ऊपरी हिस्सा इस प्रकार से दिख रहा था, उसकी ऊपरी जो परत है वो इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। ओके, आई अंडरस्टूड। देन अर्थ हैड क्रैक्ड, अर्थ जो है पृथ्वी, उसमें दरारें पड़ गई थी। ओके, दरारें कहाँ पड़ गई है? पृथ्वी में जो है वो दरारें पड़ गई है, या दरार पड़ गई है। क्रैक का मतलब दरार पड़ना, दरार पड़ने से जो जमीन है वो एक तरह से फट सी गई है। तो अर्थ हैड क्रैक्ड एंड इट लुक्ड, और ऐसी लगती थी कैसी? एज इफ मानो चंक्स, चंक्स का मतलब होता है बिना आकार के जो ढेर होते हैं उनको कहते हैं चंक्स। तो बिना आकार के जो ढेर हैं वो वहाँ पर हो गए थे। ऑफ इट हैड बीन बैक्ड इन ए किन एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल। ओके, ये जो है वो कंडीशन यहाँ पर हो गई थी। कैसी कंडीशन हो गई है? वहाँ की जो धरती है उस पर जो है ऊपर की तरफ या ऊपरी हिस्से में बिल्कुल दरारें पड़ चुकी हैं, झुलसी हुई पपड़ी पड़ी है, और बिना आकार के ढेर जो हैं वो हो गए हैं इसके। कैसे? जैसे कि इसको सेक दिया गया, वो हैड बीन बैक्ड इन ए किन, जैसे इससे धरती की जो ऊपरी परत है उसको एक भट्टी में सेका गया हो या सेका गया था, ऐसा लग रहा था। एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल, और इसको मिट्टी में जो है, मिट्टी की परत के नीचे दबा दिया गया हो सेक करके, ऐसा लगता था। ये कंडीशन थी वहाँ। ओके, कहने का मतलब ये होगा कि वहाँ सूखा पड़ने से जो धरती है उस धरती पर जो परत है उस परत में दरारें पड़ गई हैं, और दरार भी ऐसे पड़ी है जैसे कि उस मिट्टी को किसी भट्टी में सेका गया हो, और भट्टी में सेक करके और जो मिट्टी उसको निकाल करके और एक मिट्टी की परत के नीचे सेकी हुई जो मिट्टी है या उसके जो ढेर हैं उनको निकाल करके, और फिर कहाँ दबा दिया गया हो? सॉइल जो क्रस्ट है मतलब परत है उसके अंदर उसको दबा दिया गया हो। उसके जस्ट बाद में है द कैटल। यहां तक हमने इसको स्टडी कर लिया है, एक बार इसको देख लें दोबारा। द अर्थ हैड क्रैक्ड, पृथ्वी जो है उसमें दरारें पड़ गई थी। एंड इट लुक्ड, ये ऐसी लगती थी, कैसी लगती थी? एज इफ चंक्स ऑफ इट, इसके जो बिनाकार के ढेर हैं, दरारें पड़ने से आकर ढेर बन गए अलग अलग, उन ढेर को या उन ढेरों को क्या कर दिया गया था? हैड बीन बैग्ड, उनको सेका गया था। कहाँ पर? भट्टी में सेका गया था। एंड देन, और फिर उनको दबा दिया गया। कहाँ पर? मिट्टी की परत के नीचे उनको दबा दिया गया था। ऐसा जो है धरती की परत को देखने से लग रहा था। ओके, इसके बाद देखो क्या होता है आगे। कैसी कंडीशन हुई है सूखा पड़ने से? सभी लोग प्रभावित हुए हैं,
यहाँ तक कि जो कैटल है वो भी प्रभावित हुए हैं। देखो द कैटल बिकेम थिन, कैटल है उनको दुबले पतले हो गए, पतले हो गए, वो कमजोर हो गए एंड इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब हो गया दुबले पतले, ओके, कमजोर हो गए और काफी ज्यादा दुबले पतले हो गए। कौन हो गए? कैटल। इसके बाद है द ऑक्सन डाइड, ऑक्सन मीन्स बैल, बैल मर गए थे भूख के मारे, प्यास के मारे, जो है वो कैटल भी जो है या ऑक्सन है वो भी मर चुके थे, ऐसी कंडीशन आ गई थी। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, केवल जो है ऊंट है वो अकेले ही सर्वाइव करते थे, अकेले जीते थे। क्यों? उनके लिए तो वहाँ था कुछ जिनको पानी की आवश्यकता नहीं, ऐसे पेड़ उगे हुए थे वहाँ, जैसे फीडिंग ऑन द बावल। ये क्या है? कांटेदार एक झाड़ी सी होती है जो कैमल के खाने का होता है, ये बावल, तो उसको ये खा करके और कैमल अपना टाइम पास करते थे या अपना सर्वाइव करते थे, जीवित रहते थे, ओके। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, द क्लाउड्स रोल्ड इन, रोल्ड इन का मतलब उमड़े, एक दिन बादल उमड़े लाइक वाइन स्किन्स, जैसे कि एक मशक होती है, शराब रखने की जगह होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं मशक। तो बादल एक दिन जो है बादल मुड़े या उमड़े, कहने का मतलब इन लाइक वाइन स्किन्स, जैसे कि जो मशक है उसकी तरह, इन लाइक वाइन स्किन। एंड लाइटनिंग क्रैकल्ड, और लाइटनिंग आकाश से बिजली है वो कड़की, एंड देन वाइन स्किन्स ब्रस्ट, और जो वाइन स्किन्स है मतलब मशक है वो फूट गई, ओके। इस प्रकार इसमें बता रखा है कि बादल एक दिन क्या हुआ, बादल उमड़े किसकी तरह, वाइन स्किन्स की तरह बादल उमड़े या मशक की तरह बादल उमड़े, और एक पात्र सा होता है जहाँ पर जो बड़ी बड़ी जहाँ जगह होती है, ओके, राजा महाराजों के टाइम पर जो है ये हुआ करता था, जब राजा महाराजा जो है उस वाइन को उसमें रखा करते थे, वो जगह हुआ करते थे, उसको मशक बोलते हैं। एंड लाइटनिंग क्रैकल, जैसे ही आकाश से बिजली कड़की, एंड देन वाइन स्किन्स ब्रस्ट, और वो जो मशक हैं वो सारे के सारे फूट गए, ओके। दो यद्यपि टू ईयर्स हैव पास्ड, दो साल बीत गए सिंस द ड्रॉट एंडेड, जब तक सूखा है उसका एंड हुआ या अंत हुआ, मतलब सूखा फिनिश हुआ, तब तक कम से कम दो साल बीत गए थे, अभी तक कम्प्लीटली ये हुआ नहीं था, इसका एंड नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ बता रखा है कि टू ईयर्स हैव पास्ड सिंस द ड्रॉट एंडेड, जब तक सूखे का अंत हुआ तो दो साल बीत गए। एवरीवन रिमेंबर्स, हर व्यक्ति को याद है, हर इंसान याद करता है, क्या, दैट की इट फर्स्ट रेन ऑन द डे, पहली बार बारिश हुई, पहली बार बारिश कब हुई, व्हेन फातिमा एंटर्ड इन द विलेज, जब फातिमा ने गांव में प्रवेश किया तो पहली बार बारिश हुई थी। दिस इज हाउ सी केम, ऐसा कैसे हुआ, जब वो आई तो ऐसा कैसे हुआ, मतलब गांव में पहली बार जब बारिश हुई ना तो कब हुई, जब फातिमा ने गांव में एंटर किया, फातिमा गांव में आई तभी पहली बार बारिश हुई, तो सभी ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, जब वो आई तो दिस इज हाउ सी केम, ये जो है कैसे है, सी केम, वो आई तो ये कैसे हुआ, कहने का मतलब ये है। इस प्रकार हमने इसको जो है ट्रांसलेट किया है। अब इसमें ये जो लास्ट लाइन हमने अभी स्टडी की ना, इसका क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे है, व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज, ओके, ये क्वेश्चन है कि जब फातिमा गांव में आई तो क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, ओके। तो ये था क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस, व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड, OCURED, When Fatima came into the village, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो अब हम जो पैरा है उसको एक बार ग्रामेटिकल स्टडी और करेंगे, अभी मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया है, अब इसमें कौन कौन से टेंसेज का यूज किया गया है उसको हम स्टडी करने वाले हैं।
देखो, ड्रोट इन कच हैड लास्टेड, यहाँ पर जो हैड लास्टेड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओके, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सूखा जो रहा कच्छ में वो कितने साल रहा, फॉर थ्री सक्सेसिव ईयर्स, तीन साल लगातार जो वहाँ सूखा रहा था या सूखा पड़ा था। इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड, जब बादल दिखाई देते थे, ओके, तो यहाँ पर भी ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, जब बादल दिखाई देते थे, दे पास्ट बाय, तो वो गुजर जाते थे, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस हो गया। इग्नोरिंग द स्ट्राइक एन कंट्री, जो पीड़ित देश है कच्छ क्षेत्र, इसको इग्नोर करते हुए बादल जो है वहाँ से बिन बरसे या बरसात किए बिना ही चले जाते थे। इसके जस्ट बाद में है, यहाँ से द मॉनसून्स, जो मानसून होता है, हैड सो टू स्पीक, मानसून जो था, पास्ट सिंपल टेंस है वहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर है, ये इसके साथ में ही है, तो ये पास्ट सिंपल नहीं है, यहाँ ये पास्ट परफेक्ट है, ओके। अगर ये सिंगल होता ना यहाँ तक तो ये पास्ट सिंपल हो जाता, बट यहाँ आगे फॉर्म देते ना थर्ड फॉर्म, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है। हेड के साथ में कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ओके। तो मानसून सो टू स्पीक कहें तो क्या था, फॉरगॉटन द लैंड, वो इस धरती को भूल चुका था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। तो मानसून जो है वो शायद इस धरती को भूल गया था, इस धरती पर और जगह जो है एक तरह से बारिश ये करता था, बट यहाँ जो है ये बिल्कुल भी बारिश नहीं करता था। द रन ले लाइक, लेमिंग्स पड़ा हुआ, यहाँ पर भी पास सिंपल है, कैसे पड़ा हुआ था, लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, एक जो कोई लकवाग्रस्त राक्षस है उसकी तरह जो रन क्षेत्र है वो पड़ा हुआ था, दिखाई देता था। इट्स बैक कवर्ड, जो पीठ है इसकी वो जो है एक तरह से ढकी हुई थी, तो यहाँ पर भी क्या है, ये पास्ट सिंपल है, किससे ढकी हुई थी, विद स्केब, इसके मीन सूखी परत, एंड स्कैर टिश्यू, और जैसे घाव का कोई चिन्ह हो इस प्रकार जो है इसकी परत है वो ढकी हुई थी, इसकी पीठ है ढकी हुई थी, एंड ड्राइड ब्लिस्टर, ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, झुलसी पड़ी हुई पपड़ी, उसके समान इस धरती की या पृथ्वी की जो पीठ है उसका ऊपरी हिस्सा है उसकी ये हालत हो गई थी, ओके। तो ये किस प्रकार क्यों हुआ, ये सूखा पड़ने की वजह से जो है ये हुआ है, कई दिन तक जो है वो सूखा हुआ रहा है, इसलिए ये कंडीशन है वो क्रिएट हुई है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, यहाँ पर जो है द अर्थ हैड क्रैक्ड, यहाँ पर देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड के साथ में फिर से क्या आ रहा है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पृथ्वी जो है वो एक तरह से उसमें दरारें पड़ गई थी, एंड इट लुक्ड, ऐसा दिखता था ये पृथ्वी, ऐसी दिखती थी, एज इट, जैसे मानो, क्या मानो, चंक्स एम्बेडेड, चंक्स जो बिना आकार के ढेर हैं, एम्बेडेड यहाँ नहीं है, ये है चंक्स ऑफ इट, चंक्स का मतलब बिना आकार के जो ढेर हैं, इट हैड बीन बैग्ड, उनको सेका गया हो या सेका गया था, तो हैड बीन बैग्ड क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है वो पैसिव वॉइस हो गया, ओके। इनको जो है इसको सेका गया है, चंक्स को, चंक्स का बिना आकार के जो ढेर है उनको भट्टी में सेका गया था, ओके, और फिर उनको मिट्टी में दबा दिया गया, इन ए किन, एंड एक किन मीन्स भट्टी, भट्टी में वो सेका गया, फिर क्या हुआ, एम्बेडेड, दबा दिया गया किसमें, इन द सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी की जो परत होती है उसके अंदर उसको दबा दिया गया। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। और उसके बाद देखो यहाँ से द केटल बिकेम, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम, तो मवेशी जो है या पशु जो है वो भी क्या हो गए थे, दुबले, थिन का मतलब कमजोर, एंड एमेसिएटेड का मतलब दुबले पतले, बिल्कुल निर्बल कह सकते हैं, कमजोर हो गए थे, तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से पास्ट सिंपल। द ऑक्सन डाइड, बैल है वो मर गए थे भूख के मारे, प्यास के मारे, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड, केवल जो कैमल है
ऊंट हैं वही वहाँ सर्वाइव करते थे, क्योंकि वो जो वनस्पति खाते थे वो वहाँ मिल जाती थी कंफर्टेबली फिटिंग ऑन बाउल बाउल बाउल। ये क्या होता है, ये ऊंट जो होता है कैमल थोर्न कांटे से होते हैं इस पेड़ के, और इनको ये कैमल खा लेते हैं। उनको काफ़ी टाइम तक जो है उन पेड़ों को बाउल जैसे पेड़ों को काफ़ी टाइम तक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा। देन वन डे, एक दिन क्या होता था, क्लाउड्स रोल्ड इन, बादल उमड़े, तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस हो गया, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल हो गया। एक दिन बादल उमड़े लाइक वाइन स्किन्स मशक, जैसे मशक जो है उसकी तरह एक दिन बादल उमड़े, लाइटनिंग क्रैकल आकाश से बिजली कड़की। ओके, क्रैकल मीन्स कड़की, पास्ट सिंपल टेंस। एंड द वाइन स्किन स्किन्स ब्रस्ट, और वाइन स्किन जो है मशक जो है वो फूट गई। ओके, कहने का मतलब एक दिन बारिश आई और आकाश से बिजली कड़की, और कड़कने से जो है किसी चीज़ का नुकसान हो गया, ये जो वाइन स्किन है ये फूट गई, ब्रस्ट मीन्स फूट गई, विस्फोट हो गया एक तरह से। द टू ईयर्स हैव पास्ड, अब जो है क्या हो, देखो दो साल बीत चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। ओके, आई हैव दिस आवर थर्ड फोन, सिंस द ड्रॉट एंडेड, जब से सूखा जो है उसका एंड हुआ, तो लगभग दो साल बीत गए, तो यहाँ पर भी एंडेड का मतलब पास्ट सिंपल टेंस। एवरी वन रिमेंबर्स, हर व्यक्ति याद करता है, तो यहाँ पर ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, हर व्यक्ति जो है याद करता है, क्या दैट कि इट फर्स्ट रेन, पहली बार बारिश हुई ऑन द डे, किस दिन बारिश हुई, व्हेन फातिमा एंटर्ड इन द विलेज, जब फातिमा ने गांव में प्रवेश किया, एंटर्ड, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है। दिस इज हाउ सी केम, ऐसा कैसे हुआ जब वो आई, ऐसा कैसे हुआ कि जब फातिमा ने गांव में एंटर किया तभी बारिश क्यों हुई, ये सभी जो है वो सोचने को मजबूर हैं। ओके, तो जो लास्ट लाइन है कौन से वाली, इट फर्स्ट रेंड ऑन द डे व्हेन फातिमा एंटर्ड इन द विलेज, ये आंसर है कौन से क्वेश्चन का, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज, क्या क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, देखो थोड़ा सा इसको देख लो, ये क्वेश्चन था व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा, ये लाइन एज इट इज आप लिख सकते हैं, इट से लेकर के, इट फर्स्ट रेंड ऑन द डे व्हेन फातिमा एंटर्ड इन द विलेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से जो है एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है उसको मैंने बताया है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे चलते चलते, मतलब लेसन स्टडी करते करते बीच बीच में से, तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आगे क्रिएट नहीं होगी। ओके, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इस जो ये पैरा है ना, इस पैरा में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में आपकी बार भी आ सकता है। वैसे इसमें एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, हु वॉज लैम लाइक ए पैरालाइज मॉन्स्टर, कौन जो है वो पैरालाइज मॉन्स्टर की तरह पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर वोज लगते ही थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म जो है इसकी हम लगा देंगे। ओके, तो ये जो है इसकी, इसको यूज करके, मतलब इसका थर्ड फॉर्म यूज करके लेकर
ओके, और हम फिर उसको चेंज कर देंगे। ओके, ये बात है। इस प्रकार से आपको जो है इसको स्टडी करना है, और स्टडी करके और बीच बीच में से क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं, जिनको हम एडिशनल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इस प्रकार जो है हमने इसको स्टडी किया है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो पैरा है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हैव अ गुड डे।